नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताजा ब्रेकिंग न्यूज। सुपौल बिहार, मोहम्मद रहमतुल्लाह की रिपोर्ट। समाहरण नाली परिसर में हंगामा, पुलिस ने किया लाठी चार्ज, दो घायल। मतगणना में धांधली का आरोप लगाकर दीनापट्टी पंचायत के एक मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों ने समाहरण नाले पहुंचकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि इस दौरान आक्रोशित लोगों द्वारा रोडेबाजी भी की गई, जिसके बाद भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस हरकत में आई और जमकर लाठीबाजी की। इस दौरान पुलिस ने रबड़ बुलेट भी चलाए। पुलिस की लाठी चार्ज में दो व्यक्ति घायल हुए, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पीपरा पंचायत की दीनापट्टी पंचायत के मुख्य चुनाव के बाद परिणाम को लेकर एक पक्ष द्वारा विरोध लगाया कि उनके पक्ष में परिणाम आने के बाद दूसरे पक्ष को विजय घोषित किया गया। इसी से आक्रोशित पंचायत के लोग सुबह से डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर ईंट पत्थर चलाने लगे। मामले को कंट्रोल करने में जुटे प्रशासन ने खदेड़ना शुरू कर दिया। फिलहाल समाहरण नाले और उसके आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। क्या मामला था सर? ये अचानक है जो ये घटना घटी है। इनका शिकायत है कि अखबार में है जो अलग बिंदु छपा है और प्रमाण पत्र है जो अलग लोग को दिया गया है, तो इसको सही से रखना चाहिए था। इस तरह से समाहरण नाले के गेट पर जाम करना और किसी पदाधिकारी की गाड़ी निकल रहा है तो आक्रोशित हो जाना, ये ठीक नहीं है। तो ये अपराध है, इस पर हम लोग कांड दर्ज करेंगे और संपूर्ण मामलों की जाँच करेंगे। कई पुलिसकर्मी इस पर घायल हुए हैं। हाँ, एक जवान घायल हुआ है, कई को चोटें लगी है, चार पांच गिरफ्तारियां हमारी हुई है। तो हम लोग प्रॉपर कांड दर्ज करके अनुसंधान करेंगे कि आपका मामला क्या है, घटना कैसे घटी। कहाँ घर हुआ आपका? घर सखवा है, दीनापट्टी पंचायत। क्या मामला लेकर के आप लोग ऐसे पथराव किए? सर, आशा देवी मुखिया चार ठो पेपर में 14 तारीख को डेट में ये लोग बोला था कि मुखिया कैंडिडेट जो है ये हमारी जीत हुई है, उसको प्रमाण पत्र नहीं मिला था, तो वही लोग जो है बोले थे जाते हैं डीएम साहब को, कल आवेदन दिए थे तो उसी को पूछेंगे कि सर क्या हुआ हमारे आवेदन के बारे में, क्या मिला है हमको, नहीं मिला कि नहीं मिलेगा, उसी के बारे में आए थे। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर शर्मा। कहाँ घर हुआ? सख हुआ सर। सर, आप लोग डीएम से मिलने आए थे जो आशा देवी का जो मुखिया से हिंदुस्तान पेपर में जीत हुई है, तो इसी सिलसिले में हम लोग आए थे डीएम साहब से मुलाकात करने। डीएम साहब निकल गए तो पब्लिक थोड़ा उल्टा हो गया कि चलो रोड घेरते हैं। एक माने डीएम साहब निकलने के बाद आप लोग आक्रोशित में आ गए? नहीं, आक्रोशित नहीं आए, हम लोग सोचे रोड घेरे के ठीक है, पब्लिक जो उल्टा पुल्टा कर दिया, गेट जाम करना शुरू कर दिया। सर, रोड घेरने में आप लोग भी थे? नहीं, वहाँ रोड पर हम लोग खड़े थे साइड। क्या नाम आपका? नरेश। कहाँ घर हुआ? दीनापट्टी पंचायत। नाम? हम लोग वही आशा देवी के पक्ष में आए थे सर, आवेदन देने के लिए डीएम सर के पास। सुबह आके बैठे हुए थे, सुबह से भूखे प्यासे हम लोग, बहुत देर से इंतजार किए, चले गए। उसके बाद पब्लिक सब था, सब जितना भी कैंडिडेट था सबका आदमी आया हुआ था, छह को कैंडिडेट, सात को था सर, सात में छह को कैंडिडेट का आदमी यहाँ पर आया हुआ था, सब अपना उग्र हो गए। हम लोग उनको बचाने के लिए गए थे कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो सब माने नहीं और पब्लिक करके चले गए, साहब लोग हम लोग को पकड़ लिए हैं। जी जी, आक्रोशित होने का क्या कारण था? डीएम साहब चले गए इसी वजह से? जी जी, तो हम लोग मामला को शांत करना चाहे लेकिन उस लोग नहीं माने। रोड जाम में आप भी थे? जी, जाम में हम नहीं थे सर, हम बचाव करने गए थे अपना। क्या नाम आपका? राजेश शर्मा मेरा नाम। कहाँ घर हुआ? सखवा। हम लोग बोला घर पर चलो, हम साथ में चले आए बाबू जी। चले आए? रोड जाम में आप भी थे? नहीं बाबू जी, हम नहीं थे। क्या नाम आपका? देवचंद्र शर्मा। कहाँ घर हुआ? सखवा बाबू जी। वार्ड नंबर?